अब आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान शरीफ की एक आयत मुबारका जिसको मैंने खुतबे में पढ़ने की सआदत हासिल की, और खुदा की कसम आज अगर ये आयत समझ जाएंगे, अगर जो लोग बेचारे यहां सलाम नहीं पढ़ने वाले बैठे हैं, फातिहा नहीं देने वाले बैठे हैं, रसूल की आमद को नहीं मानने वाले बैठे हैं, तो इंशाल्लाह ये आयत समझ जाएगा तो वो नबी को मान लेगा। और कल से आप देखेंगे, नहीं कल से नहीं, आज से वो हमारे साथ फातिहा भी पढ़ेगा, सलाम भी पढ़ेगा इंशाल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला करीब हैं, करीब हैं। औला का मतलब करीब, करीब सिर्फ करीब नहीं, हद से ज्यादा करीब। औला का मतलब क्या है? हद से ज्यादा करीब। अन्नबी औला, नबी हद से ज्यादा करीब हैं। किसके? बिल मोमिनीन, ईमान वालों के। किसके करीब हैं? ईमान वालों के। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह कह रहा है नबी हद से ज्यादा करीब है। किसके? ईमान वालों के। फिर हमने पूछा मौला हद से ज्यादा करीब, अब होता क्या है? बोले भाई ये मीरज किधर? बोले करीब में ही है। नहीं, हालांकि है 30 किलोमीटर। बोलते क्या करीब में है? तो कहीं लोग हमारा करीब समझेंगे, 30 किलोमीटर पे है। अच्छा यहां से हैदराबाद करीब है या फिर बॉम्बे करीब है? तो बोले बॉम्बे करीब है। हाँ उतनी दूर है, 400 किलोमीटर दूर, करीब कैसे हो गया? बोले नहीं नहीं, उसको भी करीब ही बोलते। तो कहीं बंदे ये ना समझेंगे करीब का मतलब ये है कि 400 किलोमीटर का फासले को भी करीब बोलते हैं, लिहाजा उतने करीब है, कोई ऐसा मतलब ना निकाल ले। अल्लाह ने वो ख्याल को भी आगे के लफ्जों में रद्द कर दिया, आगे के लफ्जों में अल्लाह ने ये शैतानी जहन को भी तोड़ दिया, और तोड़कर रब ने कहा अन्नबी यू औला बिल मोमिनीना, नबी मोमिनों के करीब है। हमने पूछा मौला कितने करीब है? यहां से एक मोहल्ले की दूर पे है, यहां से 1 किलोमीटर की दूर पे है, या 10 किलोमीटर की दूर पर है, या 400 किलोमीटर की दूर पर है? रब फरमाता है बंदे क्या पूछता है? वो नबी इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है, मिन अन्फुसिहिम, तेरी जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह कह रहा है तेरी जान से ज्यादा करीब है। ऐ बंदे तेरे नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है। और खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सदके जाए, सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आखा आप हमारे कितना करीब है, आप जरा बयान फरमा दे। तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सुन ले उम्मती, तेरे पैर में कांटा चुभता है, तुझको तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता। सुभान अल्लाह, ये नारा जरा बीच बीच में बार बार लगाते रहो। ये नारा लगाने से शैतान भाग जाता है। ये आखिरी का नारा बड़ा काम वाला है। मेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या